क्रिकेट की दुनिया में अपने नाम को साकार करने वाले धवन इस वक्त हमारे साथ हैं अब शिखर टेस्ट टीम का हिस्सा है उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी इस बारे में पूरी राय और शिखर से पूरी बात करेंगे और जानेंगे उनके दिल के राज। शिखर टेस्ट टीम टीम में सिलेक्शन हो गया नर्वस हैं या एक्साइटेड है guess, uh, पहली एंड लुक uh, फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि फिफ्टीन से हमारा कैंप है तो उसमें वहाँ जाकर अच्छी ट्रेनिंग करें अच्छी प्रिपरेशन करूँगा एंड बी आई एल बी रेडी फॉर द गेम ज़रूर लगता है कि पहली बात तो ये कहूँगा मालिक की मेरे हुई है बड़ी और जितनी मेहनत करी उसका फल मिला है एंड अपनी फैमिली को अपनी वाइफ अपने बच्चियों को ज़रूर थैंक्स करना चाहूँ उनकी प्रेयर्स ने काफ़ी मेरी करियर में हेल्प दी है आप उस शख्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हैं जो अपने करियर में एक टेस्ट खेल चुके हैं और आपका पहला टेस्ट होगा तो इस बात को लेकर किस तरह से देखते हैं ऐसा तो लगता है सपना साकार हो गया है थोड़ा सा नर्वस है कि किस तरह से होगा ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ऑफ कोर्स जैसे सचिन पाजी हैं धोनी भाई हैं और बाकी जो सीनियर्स सीनियर टीम है उनके साथ खेलने का और उनसे एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस से हमारे को जो फ़ायदा रहता, रहता है काफ़ी रहता है एंड इट विल बी अ गुड लर्निंग प्रोसेस आई गेस कि जब जिस वक्त जो चीज़ लिखी होती है उसी वक्त मिलती है और आई गेस इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी टू प्ले फॉर इंडिया आई एम फुली यू नो आई नो माई गेम प्रिडी वेल नाउ तो आई नो एम मेच्योर बैट्समैन आई हैव बीन स्कोरिंग मोर कंसिस्टेंटली अब मेरी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी हाई होगी है पहले से तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस एंड आई एम हैप्पी दैट आई गॉट अ चांस उसके पीछे जो मेरे फेलियर्स हैं वही राज है कि फेलियर से बंदा जब दुख लगता है तो दुख से उसके बाद वो सक्सेस के लिए जाता है कि हाँ मेरे को ऐसा लगा कि मेरे में टैलेंट है मैं आगे निकल सकता हूँ तो बट आ, मैं उसको वर्थ नहीं कर रहा जब मेरा फेलियर हुआ तो एंड देन आई चेंज माय प्रैक्टिस वेज मेंटली मैंने अपको, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉग किया और फिर एक नेट पे जो अलग करेक्टर बनता है वो बनाया कि हाँ मैच के लिए ऐसे खेलना है तो उसकी प्रिपरेशन ये रहेगी या ग्रीन ट्रैक हो या टर्निंग ट्रैक हो तो हर एक चीज़ के लिए मतलब मेरे गोल सेट किए मैंने और फिर इसके टूवर्ड्स तो मेहनत करी एंड देन एवरी हैप्पी शिखर जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसके बाद जो रणजी सीज़न था उसमें हाईएस्ट रन गेटर अब ये जो डिफरेंस था इतना लंबा जो वक्त था इसमें किस तरह से खुद को ग्रूम किया कि ये जो मौका है इसे हाथ से ना जाने दें Uh, इतना जो अंडर 19 के बाद फिर मैंने रणजी में खेला और बाकी इंडिया काफ़ी साल में खेला हूं तो वहाँ से मैं गिरा भी खड़ा भी चलता रहा ऐसे एंड आई गेस वो सबसे ब्यूटीफुल थिंग रही है मेरी लाइफ के लिए क्योंकि उससे ही मुझे सब कुछ सीखने को मिला एंड आई एम हैप्पी कि वो हुआ और uh, अब मेरे को यहाँ मौका मिला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपको मौका मिला है बेहद मज़बूत टीम मानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के सामने जो हाल हुआ टीम इंडिया का वो सबके सामने था अब ऑस्ट्रेलिया के सामने वो हाल ना हो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं बतौर ओपनर यही कि टीम को अच्छा स्टार्ट दूँ बड़े बड़े सौ बनाऊँ सिंपल सिंपल रखो <laughs> बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो ये थे शिखर जिनका यही कहना है कि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और बुरे वक्त में शिखर ने ज, शिखर का साथ जिन्हें भी दिया वो सभी शिखर को बखूबी याद है और शिखर चाहते हैं कि आगे भी ये जो साथ है ये बरकरार रहे दिल्ली के कैमरा पर्सन नक्षत्र के साथ रूफी जैदी पी न्यूज़